हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन में हम ये देखेंगे कि हम विंडोज 10 कंप्यूटर के अंदर टास्क बार को किस तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं। जब भी आप विंडोज 10 सिस्टम के अंदर लॉगिन होते हो और डेस्कटॉप के ऊपर जो आपको नीचे की साइड पे जो एक पट्टी ब्लैक कलर की या जो स्ट्रिप देखने मिलती है उसे हम कहते हैं टास्क बार। टास्क बार की हेल्प से हम क्विकली बहुत सारे प्रोग्राम को एक्सेस कर सकते हैं। जहाँ से हम प्रोग्राम को ओपन करते हैं, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, उसे हम बोलते हैं क्विक एक्सेस लॉन्च बार। जहाँ से आप जो भी प्रोग्राम फ्रिक्वेंटली एक्सेस करते हो उसको हम वहाँ पर पिन करके रख सकते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि हम टास्क बार के ऊपर किसी भी प्रोग्राम को किस तरह से पिन कर सकते हैं। सबसे पहले मैं सर्च कर लेता हूँ कैलकुलेटर इस डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। ओके, यहाँ पर कैलकुलेटर ओपन हो चुका है। अगर मुझे फ्रिक्वेंटली कैलकुलेटर प्रोग्राम को ओपन करना है तो उसके लिए फिर मुझे जाना पड़ेगा सर्च बार पे, या फिर मैन्युअली स्टार्ट मेनू के हेल्प से मैं कैलकुलेटर को ओपन कर सकता हूँ। उससे बेटर है कि आप प्रोग्राम को, जब भी आपने प्रोग्राम ओपन किया है, तो वहाँ पर टास्क बार पे आप राइट क्लिक कीजिए। वहाँ पर आपके पास ऑप्शन होगा पिन टू टास्क बार, उस पर आपको क्लिक करना है और उसके बाद जो आपका कैलकुलेटर है वो वहाँ पर पिन हो चुका है। देखते हैं कि हुआ है या नहीं। उसके लिए मैं कैलकुलेटर को क्लोज कर देता हूं। जैसे आप यहां पर टास्क बार के ऊपर देख रहे हैं कि अब हमें यहां पर कैलकुलेटर का आइकन देखने मिल रहा है। सो जब भी मुझे उस प्रोग्राम को, यानी कि हमारे केस में जब भी मुझे कैलकुलेटर को ओपन करना होगा, तो सिंपली मुझे टास्क बार के ऊपर जो कैलकुलेटर का सिम्बॉल है वहां पर सिर्फ क्लिक करना है और उससे जो कैलकुलेटर एप्लीकेशन है वो क्विकली ओपन हो जाएगी। सो इस तरह से हम जो प्रोग्राम को फ्रिक्वेंटली एक्सेस करते हैं उस प्रोग्राम को हम टास्क बार के ऊपर पिन कर सकते हैं कि जिससे हम क्विकली उस प्रोग्राम को लॉन्च कर सकें। अगर आपने बहुत सारे एप्लीकेशन को टास्क बार के ऊपर पिन करके रखा हुआ है और आप उसे अनपिन करना चाहते हो, तो जो प्रोसेस है वो काफ़ी सिमिलर है। उसके लिए सिर्फ आपको वहाँ पर जो आइकन है वहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है और वहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा अनपिन फ्रॉम द टास्क बार। जैसे आप अनपिन फ्रॉम टास्क बार के ऊपर क्लिक करोगे, जो प्रोग्राम या एप्लीकेशन आपने टास्क बार के ऊपर पिन की थी वो प्रोग्राम या फिर एप्लीकेशन टास्क बार से अनपिन हो जाएगी। आप मैन्युअली भी जब भी प्रोग्राम को सर्च करते हो वहाँ पर भी आप उसको, वहाँ से भी आप उसे पिन कर सकते हो। राइट क्लिक करते ही आपको यहाँ पर भी ऑप्शन मिल जाएगा पिन टू टास्क बार, और जिससे जो प्रोग्राम है वो डायरेक्टली हमारे टास्क बार के ऊपर पिन हो जाएगा। सो इस तरह से हम जो भी एप्लीकेशन को बार बार एक्सेस करते हैं उसे हम टास्क बार के ऊपर पिन कर सकते हैं। विंडोज 10 सिस्टम के अंदर, या फिर हम ऐसा कहें कि सारे विंडोज कंप्यूटर के अंदर, जो टास्क बार की पोजीशन है वो ऑलवेज बॉटम एंड पे होती है, यानी कि नीचे की साइड पे होती है। अगर आप ये चाहते हो कि टास्क बार की पोजीशन को मैं चेंज करके टॉप या फिर लेफ्ट राइट साइड पे ले जाना चाहते हो, तो वो भी पॉसिबल है। बट बाय डिफॉल्ट जब भी आप उसको ड्रैग करने की ट्राई करोगे तो वो पोजीशन मूव नहीं होगी। उसका रीजन ये है कि बाय डिफॉल्ट विंडोज सिस्टम के अंदर टास्क बार लॉक होता है। तो अगर आप उसको पोजीशन को मूव करना चाहते हो तो उसके लिए आपको अनलॉक करना पड़ेगा। दूसरा भी मेथड है जिससे भी हम टास्क बार लॉक हो फिर भी हम उसका पोजीशन चेंज कर सकते हैं। तो हम इस वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन में दोनों ही मेथड देखना चाहते हैं। सबसे पहले उसके लिए मैं टास्क बार के ऊपर राइट क्लिक करता हूं और यहां पर मेरे पास ऑप्शन है लॉक द टास्क बार। मैं सिर्फ उस पर क्लिक करूंगा, सो जिससे ये जो चेकबॉक्स है वो वहां से रिमूव हो जाएगा। चेक कर लेते हैं। जैसे अब की बार आप यहां पर देख रहे हैं कि लॉक द टास्क बार के आगे वो करेक्ट वाला सिंबल नहीं है, मतलब हमारा टास्क बार करंटली लॉक नहीं है। अब हम हमारे टास्क बार की जो पोजीशन है उसे चेंज कर सकते हैं। उसके लिए सिंपली आपको टास्क बार के ऊपर जाके आपके माउस का जो लेफ्ट की है उसे प्रेस करके रखना है और टास्क बार को आप जहां पर ले जाना चाहते हो उस साइड आपके माउस के कर्सर को आपको ड्रैग करना है। फॉर एग्जांपल ऐसे, अगर मुझे उसको टॉप ले जाना है तो मैं यहां से ड्रैग करके ले जा सकता हूं टॉप पे, या फिर मुझे लेफ्ट साइड ले जाना है तो लेफ्ट साइड, और वापस मैं ओरिजिनल पोजिशन पर लाना चाहता हूँ यानी कि बॉटम एंड पर लाना चाहता हूँ तो भी पॉसिबल है। बट उसके लिए हमें सबसे पहले टास्क बार को अनलॉक करना पड़ेगा। अब जो दूसरा मेथड है वो भी हम देख लेते हैं। उसके लिए मैंने टास्क बार को लॉक कर दिया है। सो अगर अब मैं टास्क बार की पोजीशन को मूव करने की ट्राई करता हूं तो वो मूव नहीं होगा। अगर आपका टास्क बार लॉक है और फिर भी आप उसकी पोजीशन चेंज करना चाहते हो तो भी वो पॉसिबल है। उसके लिए आपको टास्क बार के ऊपर जाके राइट क्लिक करना है। यहां पर आपके पास ऑप्शंस होगा टास्क बार सेटिंग्स, उसके ऊपर क्लिक करना है। यही सेटिंग्स को आप सेटिंग्स मेनू से भी ओपन कर सकते हैं।
जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि लॉक द टास्क बार है, यानी कि हम अपने टास्क बार को यहाँ से भी अनलॉक कर सकते हैं और डायरेक्टली वहाँ पर राइट क्लिक करके भी अनलॉक कर सकते हैं। हमें जो ऑप्शंस चाहिए जिसे हम ढूंढ रहे थे वो ऑप्शंस ये है, टास्क बार लोकेशन ऑन स्क्रीन जो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर सिलेक्टेड होता है वो होता है बॉटम। सो अगर आप चाहते हो कि मुझे टास्क बार को लेफ्ट हैंड साइड पे रखना है तो लेफ्ट, अगर आप चाहते हो टॉप पे तो आप टॉप, और राइट साइड चाहते हो तो राइट साइड। इस डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हम सिलेक्ट कर लेते हैं टॉप, सिलेक्ट करता हूँ। जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे उसी टाइम पे जो आपका टास्क बार है उसका पोजीशन चेंज हो जाएगा और वो अब चला जाएगा टॉप एंड के ऊपर। अगर आप वापस उसे बॉटम एंड पे लाना चाहते हो तो सिंपली आपको वहाँ से सिलेक्ट करना है बॉटम और इंस्टेंटली आपका जो टास्क बार का पोजीशन है वो चेंज होके आ जाएगा बॉटम एंड के ऊपर। सो कुछ इस तरह से हम टास्क बार की पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, और उसके लिए हमने जो दोनों मेथड देखे आप उन दोनों मेथड में से कोई भी मेथड का यूज कर सकते हो। अब जो दूसरी सेटिंग्स है उसे भी हम यहाँ पर समझ लेते हैं। यहाँ पर ऑप्शन से ऑटोमेटिकली हाइड द टास्क बार इन अ डेस्कटॉप मोड, यानी कि अगर आप ये चाहते हो कि जो इतना स्पेस टास्क बार कंज्यूम करके रखा हुआ है, मैं चाहता हूँ कि जो मेरा स्क्रीन है वो फुल स्क्रीन मोड में दिखना चाहिए और ये जो टास्क बार वाली जो पोजिशन है वो भी फ्री हो जानी चाहिए, तो वो भी पॉसिबल है। उसके लिए सिंपली आपको यहाँ से इसे अनेबल करना है या हम ऐसा बोले ऑन करना है। जैसे आप ऑन कर लोगे वैसे ही जो टास्क बार है वो नीचे से चला जाएगा। जैसे आप कर्सर को नीचे की साइड पे ले जाओगे तब आपको टास्क बार वापस मिलेगा, और जैसे ही आप कर्सर को ऊपर की साइड पे ले जाओगे जो टास्क बार है वो नीचे से चला जाएगा, कि जिससे आपके स्क्रीन के ऊपर आपको फुल स्क्रीन अवेलेबल हो जहाँ से आप अपने प्रोग्राम को आसानी से एक्सेस कर पाए। अब जब भी आप वापस टास्क बार को चाहते हो उस टाइम पे आपके कर्सर को आपको नीचे की ओर ले जाना है, आपका टास्क बार आपको वापस मिल जाएगा। अगर रिमूव करना है यानी कि उसे डिसेबल करना है तो भी सिंपल है, उसके लिए सिर्फ आपको यहाँ से उसको ऑफ कर देना है। सेम यहाँ पर ऑप्शन है टैबलेट मोड के लिए, क्योंकि हम करंटली डेस्कटॉप मोड के अंदर है इसलिए हमने वही यूज़ किया जो ऑप्शन डेस्कटॉप के लिए अवेलेबल था। अब जो यहाँ पर एक और ऑप्शंस अवेलेबल है वो है ये है यूज स्मॉल टास्क बार बटन्स, उसे भी ऑन करके हम देख लेते हैं, जिससे जो आइकन्स है उसकी जो साइज है वो वहाँ पर छोटी हो जाएगी। और अगर आप टास्क बार को हाइड नहीं करना चाहते बट फिर भी टास्क बार की जो पोजीशन है उसे स्लाइटली छोटा करना चाहते हो तो आपके लिए ऑप्शंस बेटर रहेगा जहाँ पर आप टास्क बार के आइकन्स को स्मॉल बटन्स में कन्वर्ट करके यूज कर सकते हैं। वापस आपको नॉर्मल पोजीशन पे लाना है तो सिंपली यहाँ से उसे ऑफ कर देना है, आपके जो आइकन से वो वापस नॉर्मली वही पोजीशन पे आ जाएंगे। यहाँ पर एक और ऑप्शन है रिप्लेस कमांड प्रॉम्प्ट विद द पावर शेल इन द मेनू व्हेन आई राइट क्लिक स्टार्ट बटन और प्रेस विंडोज की प्लस एक्स। विंडोज की जो शॉर्टकट है जिससे हम स्टार्ट मेनू के जो कुछ और ऑप्शन है वो एक्सेस कर सकते हैं। हमने प्रीवियस वीडियोज के अंदर देखा था कि हम स्टार्ट बटन के ऊपर जब भी क्लिक करेंगे तो हमें स्टार्ट मेनू वाली जो स्क्रीन मिल जाएगी, बट अगर आप सेटिंग्स या मैनेजमेंट कंसोल को ओपन करना चाहते हो तो उसके लिए आपको यहाँ पर स्टार्ट बटन के ऊपर राइट क्लिक करना पड़ेगा। सो जैसे आप यहाँ पर राइट क्लिक करोगे ये ऑप्शंस मिलेगा। ये ऑप्शंस ओपन करने का एक और तरीका है और वो है विंडोज की प्लस आपको एक्स प्रेस करना है, जिससे भी ये जो ऑप्शन है वो ओपन होगा। देख लेते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आप विंडोज की और एक्सप्रेस करोगे फिर भी जो ऑप्शन है वो हमें मिल जाएंगे, तो वो सेटिंग्स हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है कि कमांड प्रॉम्प्ट की जगह पर मुझे पावर शेल चाहिए तो जो बाय डिफॉल्ट वहां पर ऑन ही होता है, अगर आप उसे ऑफ करना चाहते हो तो आप उसे यहाँ से ऑफ कर सकते हैं। दूसरा एक ऑप्शन जिसके बारे में हम बात करना चाहेंगे वो ये है टास्क बार लोकेशन ऑन स्क्रीन, जो ऑलरेडी हमने देख लिया। उसके एग्जैक्ट नीचे हमें एक और ऑप्शन मिलेगा कंबाइंड टास्क बार बटन्स। मान लो कि आपने टास्क बार के ऊपर बहुत सारे एप्लीकेशंस ओपन करके रखे हुए जिससे आपका टास्क बार जो है वो कम्प्लीटली फिल हो चुका है, अब यहाँ पर कोई स्पेस अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए जो ऑप्शंस अवेलेबल है वो यहाँ पर है। पहला जो ऑप्शन बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड होता है वो है ऑलवेज हाइड लेबल्स। इस डेमोन्स्ट्रेशन के देखने के लिए मैं सिंपली एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ। हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं फाइल एक्सप्लोरर, मैं विंडोज की हेल्प से भी ओपन कर लेता हूँ फाइल एक्सप्लोरर। तो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि करंटली हमारे पास दो विंडोज ओपन हैं, एक में मैंने ओपन करके रखा है म्यूजिक और दूसरे कंसोल में हम ओपन करके रखते हैं डाउनलोड, ठीक है। सो दोनों कंसोल करंटली यहाँ पर ओपन है बट दोनों ही फाइल एक्सप्लोरर के कंसोल है इसलिए वो हमें यहाँ पर इंडिविजुअल अलग अलग नहीं मिलता है, वो सिर्फ हमें दोनों ही एक के अंदर में ही मिल जाएंगे। सो ये जो सेटिंग्स है
यहां से मैं अगर सिलेक्ट करता हूं नेवर, उसका मीनिंग है कि ये इसको कंबाइन नहीं करेगा, जिससे ये जो दोनों इंडिविजुअल कंसोल है वो मुझे यहां से मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हो कि ये तभी पॉसिबल हो जब हमारा टास्क बार फुल हो, उसी टाइम पे सिर्फ इनको कंबाइन करना है, अदरवाइज इनको कंबाइन नहीं करना है, तो आप ये ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। और अगर आप ऑलवेज कंबाइन करना चाहते हो, उनके लेबल को हाइड करना चाहते हो, तो आप यहाँ से वो ऑप्शन सिलेक्ट कर लो। तो जो फाइल एक्सप्लोरर रिलेटेड जितने भी कंसोल ओपन है वो सिर्फ और सिर्फ आपको एक में मिलेंगे। जब आप अपने पॉइंटर को वहां पर ले जाओगे, उस टाइम पे जो कंसोल्स ओपन है वो हमें यहाँ पर दिख रहे हैं, जैसे कि डाउनलोड है या फिर म्यूजिक है। सो इस तरह से हम ये जो ऑप्शंस है उसको सेट कर सकते हैं, कंबाइंड टास्क बार बटन्स। अब यहाँ पर हमारे पास एक और ऑप्शंस अवेलेबल है, वो है टर्न सिस्टम आइकन्स ऑन और ऑफ। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मैंने यहाँ से जो डेट एंड टाइम होता है विंडोज 10 सिस्टम के अंदर, उसको हाइड करके रखा हुआ है। सो अगर आप नहीं चाहते हो कि कुछ आइकन आपके टास्क बार के नोटिफिकेशन एरिया में डिस्प्ले ना हो, तो आप उसे वहां से हाइड कर सकते हो, और अगर हाइड किया हुआ है तो उसे वापस आप अनहाइड कर सकते हो। देख लेते हैं कि कैसे हम सिस्टम आइकन को ऑन और ऑफ कर सकते हैं। उसके लिए सिंपली आपको नोटिफिकेशन एरिया के अंडर में टर्न सिस्टम आइकन्स ऑन और ऑफ के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जितने भी आइकन्स हमारे नोटिफिकेशन एरिया में डिस्प्ले होते हैं, वो सारे आइकन्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि क्लॉक को मैंने हाइड किया हुआ है, जो सिस्टम आइकन है उसको उन्हें ऑफ किया हुआ है, इसलिए क्लॉक हमें यहाँ पर नहीं दिख रही है। मैं सिमिलरली चेक करना चाहता हूँ नेटवर्क के लिए। जैसे आप करंटली यहाँ पर देख रहे हो कि जो नेटवर्क का आइकन है वो वहाँ पर हमें दिख रहा है, सो अगर आप उसको हाइड करना चाहते हो तो सिंपली आपको इसको यहाँ से ऑफ कर देना है। जैसे आप ऑफ करोगे, इंस्टेंटली वो आइकन आपके नोटिफिकेशन एरिया से रिमूव हो जाएगा। और अगर आपने आइकन को हाइड किया हुआ है तो उसे आप सिमिलरली यहाँ से ऑन कर सकते हो, जिससे वो आइकन आपके नोटिफिकेशन एरिया में वापस आ जाएगा। सो इस तरह से हम सिस्टम आइकन्स को ऑन और ऑफ कर सकते हैं, जिससे नोटिफिकेशन एरिया में वो आइकन दिखे, या फिर अगर आप नहीं चाहते हो कि वो आइकन वहाँ पर दिखे। एक और ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल है, वो है हाउ डू आई कस्टमाइज टास्क बार। मैं टास्क बार को किस तरह से कस्टमाइज कर सकता हूँ, उस लिंक के ऊपर आप क्लिक करोगे तो जो विंडोज़ का हेल्प मेनू है वो यहाँ से ओपन हो जाएगा, बट उसके लिए आपका कंप्यूटर इंटरनेट के साथ कनेक्टेड होना ज़रूरी है, जिसके बाद जो टास्क बार रिलेटेड जितनी भी सेटिंग्स की हेल्प है वो आपको यहाँ से मिल जाएगी। नोटिफिकेशन एरिया के अंडर में एक और ऑप्शन था, वो था सेलेक्ट विच आइकन्स अपीयर्स ऑन अ टास्क बार। अगर आपके सिस्टम के अंदर बहुत सारे नोटिफिकेशन एरिया में आइकन्स हैं, तो विंडोज़ ऑटोमेटिकली उस आइकन को यहाँ पर, एक और मेनू हम यहाँ पर देख सकते हैं, जिसे वो वहाँ पर हाइड कर देता है कि जो आइकन्स नेसेसरी है वो यहाँ पर दिखे। मैं कम्प्लीटली आइकन को हाइड भी नहीं करना चाहता हूँ, बट मैं नहीं चाहता हूँ कि बाय डिफॉल्ट वो वहाँ पर दिखे, तो वो आइकन आपको यहाँ पर दिखेंगे। तो उसके रिलेटेड जो सेटिंग्स है वो यहाँ पर हमें मिलेगी, सेलेक्ट विच आइकन्स अपीयर ऑन अ टास्क बार। तो वो सारे आइकन्स हमें यहाँ पर देखने मिलेंगे। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो कि टास्क मैनेजर, वर्चुअल बॉक्स, गैस एडिशन ट्रे और विंडोज सिक्योरिटी वाला जो ऑप्शन है उसको हमने यहाँ पर सेट करके रखा है। अगर आप वॉल्यूम जैसे ऑफ करोगे, सो वॉल्यूम यहाँ से रिमूव हो जाएगा। एक्चुअली वो हाइड नहीं हुआ है, बट वो हमें मिलेगा जो हिडन एरिया है नोटिफिकेशन एरिया के आइकन्स का, वहां पर। अगर आप वापस लाना चाहते हो तो उसको यहां से आपको सिंपली ऑन करना है, उसके बाद वॉल्यूम जो आइकन है वो वापस आपको यहां पर मिल जाएगा। सो कुछ इस तरह से हम विंडोज 10 सिस्टम के अंदर टास्क बार को कस्टमाइज कर सकते हैं। इस वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।